हाय फ्रेंड्स, आइए जानते हैं। बहुत ही बेहतरीन जानकारी लेके आया हूँ मैं एक बार। तो यहाँ पर आपको आप देख रहे होंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बार बार लाउ किया जा रहा है, बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है कि आप आधार कार्ड को और पैन कार्ड को ज्वाइन करिए, उसमें वेरीफाई करिए, वरना आपकी जो भी सर्विसेज आपको मिल रही हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड के द्वारा उसको रद्द की जाएंगी। इस वजह से आपको लास्ट डेडलाइन है 31 मार्च, और उसमें अगर आप नहीं कर पाएंगे तो उसमें आपको 1000 रुपये का फाइन भी पड़ेगा, और इसके बाद सारी सेवाएं जो भी होंगी वो रद्द कर दी जाएंगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आधार कार्ड और पैन कार्ड को ले लेना है। इसके बाद आपको अगर अपने फ़ोन से ही करना है चाहते हैं तो आप क्रोम या ब्राउज़र में जाएंगे, जो भी आपके पास है, और उसमें टाइप करेंगे incometax.gov.in, जो भी इस तरह का पेज फ्रंट का खुल के आएगा, और यहाँ पर होम में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसमें क्लिक करेंगे जो मेन साइट होती है। साथ खुलने के बाद आपको करना है ई वेरीफाई टन लिंक आधार स्टेटस लिंक आधार इनकम टैक्स रिटर्न। तो यहाँ पर आपको लिंक आधार स्टेटस पे जाना है, सेकंड नंबर पर दिया है यहाँ पर से, तो सेकंड नंबर यहाँ पर थोड़ा शायद टाइम लग सकता है खुलने में। जैसे ही खुलेगी आपको वहाँ पर पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर डालना है, थोड़ा टाइम लग रहा है। यहाँ पर आपको यहाँ पर देखो पहले नंबर पैन कार्ड आपको डालना है, तो पैन कार्ड में आपको जो यहाँ पर पैन कार्ड नंबर मैंने डाल दिया है, और यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना है। और यहाँ पर सबमिट कर देना है लिंक आधार वेरीफाई स्टेटस में। जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी पहले से ही हो चुका है आधार, तो इसे यहाँ पर बता देगा। अगर आपका नहीं हुआ होगा तो भी बता देगा। तो पैन योर पैन इज ऑलरेडी लिंक्ड गिवन आधार नंबर, तो मेरा तो ऑलरेडी पहले से ही हो चुका है। तो आप इस तरह आप कर सकते हैं। फिर से एक बार मैं बैक जा रहा हूँ, फिर से आप देख लीजिएगा। जैसे ही यहाँ पर आपको लिंक आधार पे स्टेटस पे क्लिक करना है, इसके बाद वापस आना है और incometax.gov.in इस साइट से आप कर सकते हैं आराम से। ओके, थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।